रोज एक कहानी, किस्से अकबर बीरबल के। एक सेर मांस। एक नगर में रामशरण नामक एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वो बड़ा सम्मानित व्यक्ति था। संयोगवश एक दिन उसके पास 3 हुंडियां आईं। हुंडियों के भुगतान हेतु उसे लगभग 3 लाख रुपयों की जरूरत थी। उसका रुका हुआ पैसा आने में 1 सप्ताह की देरी थी। अपने मुंशी को हुंडी वालों का हिसाब किताब सौंप कर वो रुपयों के बंदोबस्त हेतु घर से चल दिया। नगर में सेठ रामशरण के बराबर का केवल एक ही सेठ था, जिसका नाम था हरमोहन। वो बहुत धूर्त और ईर्ष्यालु था। रामशरण को इस बात का पता था, लेकिन उसके सिवाय कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 3 लाख रुपए एक साथ दे सके। लाचार होकर रामशरण हरमोहन सेठ के यहाँ गया और 1 सप्ताह के समय पर 3 लाख रुपए उससे उधार मांगे। हरमोहन को जब इस बात का पता चला तो उसकी बाँछें खिल गईं। वो रामशरण को नीचा दिखाना चाहता था। उसकी ये मंशा थी कि किसी तरह रामशरण रास्ते से हट जाए तो वो अकेला दिल्ली का नगर सेठ बन जाए। आज हरमोहन को उचित अवसर मिला था। उसने रामशरण से कहा, सेठ जी, आप हमारे यहाँ पहली बार ऋण लेने आए हैं, इसलिए हम आपसे सूद वगैरह भी नहीं ले सकते। आप 3 लाख रुपए खुशी से हमसे ले जाएं, लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि यदि आपने 1 हफ्ते के पूर्व ही सारा रुपया वापस नहीं किया तो आपके शरीर में से 1 सेर मांस जहाँ से हमारी इच्छा होगी काट लेंगे। यदि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अभी कह दें, अन्यथा फिर कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण का माथा ठनका। वो हरमोहन के इसी तरह के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों का हाल सुन चुका था, लेकिन यह सब होते हुए भी वो रुपया लेने को मजबूर था। उसे उम्मीद थी कि हफ्ते के पूर्व रुपया अवश्य जमा हो जाएगा। यह सोचकर उसने इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। रुपये उसे मिल गए, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया। दुर्भाग्य से रामशरण को बाहर से जो रुपया आ जाने की उम्मीद थी वो नहीं आ सका। इधर उधर से 3 लाख रुपए तथा सूद इकट्ठा करके उसने हरमोहन के यहाँ भिजवाया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, पर वहाँ तो हरमोहन की नीयत पहले से ही खराब थी। उसने ये कहकर रुपए वापस लौटा दिए कि हफ्ते से पहले रुपए लौटाने का वादा था, इसलिए वायदे के अनुसार अब मैं 1 सेर मांस लूंगा। मैंने अदालत में नालिश दायर कर दी है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने पर ही उतारू है। मैंने तो इसे ठीक उसी दिन जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था रुपया भेज दिया था, लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि 1 हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत जाने पर वो बाध्य नहीं है। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर ये स्वीकार करे तो मैं अब भी उसका रुपया मैं सूद देने को तैयार हूँ। हरमोहन ने ये मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक 1 सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया, लेकिन रामशरण मांस देने को राजी नहीं हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर कर दी। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी, उन्हें बड़ा अचरज हुआ। साथ ही जब उनसे इसका फैसला लेने को कहा गया तो अकबर बादशाह ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। बादशाह अकबर का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुला भेजा और उससे सही हाल सुनाने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, समय खत्म हो चुका है और रामशरण ने अभी तक रुपया नहीं दिया है, अतएव इकरार के अनुसार मैं 1 सेर मांस इसके शरीर से किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूँ। क्या तुम्हें अपना कुल रुपया मैं सूद के लेना मंजूर है? बीरबल ने हरमोहन से कहा। परंतु हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि रुपयों का। उसने अस्वीकार कर दिया। मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है, इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से 1 सेर मांस ले ले, किंतु ध्यान रहे, शर्त वाले इकरारनामे में केवल 1 सेर मांस के लिए ही लिखा गया है, इसलिए यदि मांस के साथ जरा सा भी खून निकला तो हरमोहन का सपरिवार वध करा दिया जाएगा। बीरबल की बात सुनकर हरमोहन घबरा गया और बिना ब्याज लिए अपना रुपया मांगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन ने अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो परोपकारी रामशरण ने बीरबल से प्रार्थना की। हरमोहन को अब अकल आ गई है, अतः इसे मामूली दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंड स्वरूप उसे 1 लाख रुपए दे। इस आदेश को हरमोहन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर एक बेईमान को सबक सिखा दिया। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।